नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अप्रैल बुधवार देश की प्रमुख खास खबरें। साइबर क्रिमिनल्स भारत के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के साथ फ्रॉड करने की तलाश में है। हैकर्स लोन रिपेमेंट की डेट को आगे बढ़ाने के लिए ग्राहकों से OTP मांगते हैं। OTP मिलने के बाद ग्राहक के खाते से पैसों की चोरी की जा रही है। SBI को इसकी जानकारी हो चुकी है। बैंक ने अपने ट्वीट में कहा कि नोट कर लें कि EMI डिफरमेंट के लिए किसी को भी OTP बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी के साथ भी अपना OTP शेयर न करें। कई राज्यों और विशेषज्ञों के आग्रह पर केंद्र सरकार लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस पर मंथन हो रहा है कि एक साथ 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाए या एक एक सप्ताह करके। दरअसल राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना महामारी का प्रकोप ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि इसे खत्म करने में कोई जल्दबाजी न की जाए। राज्यों का मानना है कि लॉकडाउन में ढील देने से संक्रमण और तेजी से फैल सकता है और उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। कोविड के खिलाफ लड़ाई में देश ने लॉकडाउन के 14 दिन का अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस दौरान कोविड के मामले 600 से बढ़कर करीब 4800 तक पहुंचने को हैं, लेकिन मामलों के बढ़ोतरी दर में थोड़ी कमी आई है। लॉकडाउन शुरू होते वक्त संक्रमण की रफ्तार प्रतिदिन 17% थी, लेकिन इस बीच यदि तबलीगी जमात के संक्रमण के मामले को छोड़ दिया जाए तो बढ़ोतरी की दर में भारी कमी आई है। अब संक्रमण दर 8% घटकर 9% रह गई है, लेकिन तबलीगी के मामलों को शामिल कर लिया जाए तो भी बढ़ोतरी दर 12% पर आ गई है। लॉकडाउन हटते ही हाईवे का सफ़र महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 5-10% की वृद्धि की है। विभाग ने हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 5 रुपये व कमर्शियल में 15-25 रुपये की बढ़ोतरी की है। NHAI नए वित्तीय वर्ष में टोल टैक्स में बदलाव करती है। NHAI के परियोजना निदेशक NN गिरी ने बताया कि कार और जीप के टोल टैक्स में 5 रुपये का इजाफा किया गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी ओवरसाइज वाहन के टोल में की गई है। इनमें एक तरफ के टोल में 25 और दोनों ओर के टोल में 45 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं मासिक पास 275 रुपये का बनेगा। सरकार अगले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग फेज शुरू करने पर विचार कर रही है। खबर के मुताबिक मेक या ब्रेक सप्ताह के दौरान कोरोना के खिलाफ चलाए जाने वाला टेस्टिंग फेज ये तय करेगा कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए या फिर नहीं। इसके अलावा अब इस टेस्टिंग फेज से कोरोना के संदिग्धों का पता चलेगा ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके। इस दौरान ये तय किया जाएगा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या नहीं। पुणे की दो बहनों और उनके परिवार ने कोरोना वायरस की छुट्टी कर दी है। परिवार के 7 सदस्य कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। 41 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परिवर्तित नाम सारिका को 14 मार्च को हॉस्पिटल में दिखाया गया। बड़ी बहन भी इसी हॉस्पिटल में नर्स है। 4 दिन बाद सारिका की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बाद में उनके पति, बेटे के साथ साथ बहन, उनके पति व उनकी बेटी में भी कोरोना पॉजिटिव निकला। सारिका वेंटिलेटर पर थी। पूरा परिवार खौफ से भर गया, लेकिन बहन ने हौसला रखा। वे खुद के साथ साथ पूरे परिवार की देखभाल में लगी रही। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.